दारू भट्टी आओ सरकारी से तेल बंद कराओ। राम का भी नाम चलता है, रावण को भी नाम चलता है, इसी प्रकार से रावण का नाम लिया गया है भूपेश बघेल के नाम से। बघेल को गुरुआ में ढकेलने का काम कर दिया है, घोटाला ही घोटाला किया है। क्या घोटाला किया है भैया? चारा घोटाला किया। कहाँ गिरे साहबा? बीड़ी 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 पिया जी। ओ बीड़ी के बीड़ी लेना है, दारू भट्टी आओ सट्टा लिख से तेल बंद कराओ। कौन बंद करी? सरकार है। ऐसे का मजा ऐसे डरबो कमल फूल में निश्चित तौर से। यहाँ कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेरने के लिए सारी भीड़ जुटा हुआ है और आने वाले नवंबर के चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेरेंगे और मोदी की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार। भारतीय जनता पार्टी चोला अभी कहाँ है? अर्जुनी आए रहे हैं तो कुछ समझ आई? हाँ समझ आए। क्या कर पक्ष के लिए था? भारतीय जनता पार्टी से का? ऐसे का? कमाल फूल। अभी तक भारतीय जनता पार्टी शुरू से तो देख होगा बोल रहा भारतीय चाहेंगे की अभी तक 5 साल में कांग्रेस क्या कर पाए हैं आपके लिए? घोटाला ही घोटाला किया है। क्या घोटाला किया है भैया? चारा घोटाला किया, गोबर का घोटाला किया है, रेत घोटाला किया है, शराब बंदी पर घोटाला किया गया है, ये घोर अन्याय किया गया है। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जबकि अत्याचार नहीं होना था, लोगों को नौकरी देने की बात किया था, युवा को 25,500 तनख्वाह देने का वादा किया था, ये भी पूरा नहीं हो पाया। आज तक हमारा सरकार पहले प्रधानमंत्री ने आवाज दिया था उसको भी रोक दिया गया था, ये बहुत ढंग से गलत किया गया है जी। जो कि हमारी सरकार पहले अच्छे ढंग से चल रहा था, आज जनता को परेशानी परेशान हो रहा है, तो इसके कारण जय श्री राम बदलना पड़ेगा। सड़क पूरे तरह से बर्बाद हो चुका है, इसके कारण अब जनता आक्रोश में आ गया है कि भूपेश बघेल को गुरुआ में ढकेलने का काम कर दिया है। ऐसा क्या? हाँ ये बहुत गलत हो चुका है। पहले से ही सरकार गंदे काम करने की तरीका अपना लिया है, इसके कारण हमको इस बार बीजेपी को लाना है, कमल साहब खिलाना है। और इस भाषण में जैसे आप सुने जी, तो इस भाषण में किस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम लिया गया है? अब उसमें क्या है, लिया तो है, देखो राम का भी नाम चलता है, रावण को भी नाम चलता है, इसी प्रकार से रावण का नाम लिया गया है भूपेश बघेल के नाम सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा वो रावण के नाम से लिया जाता है। राम दल तो ये है कि बीजेपी का जो है कमल साफ है, अच्छा उसको माना जाता है।